ओम शांति। आज की तारीख है 15/11/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न है, तख्त नशीन व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? उत्तर है, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो, सभी पर ज्ञान जल के छींटे डालकर शीतल बनाने की सेवा करो, किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो, कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त में अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके फिर छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, ये सब पाप है जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। गीत बजा है, न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ये हम आत्माएं अपने पिता परमात्मा को प्यार करते हुए गीत गाती हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। नंबर 2, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है, किसी के भी दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा बाप का, स्वमान में स्थित रहे देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त भव। मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं कि संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त हैं। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देह भान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। न समय लगता ना ही मेहनत लगती, आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी, जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे स्वमान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत कहा जाता है। स्लोगन है, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम
शांति।